Good morning class. So today we are going to discuss a new topic that is totally related with the term isotopes. Isotopes आपने पढ़ रखा है ना? Yes. Definition बता सकते हैं? Yes. Those atoms which have same atomic number, but different atomic mass, are known as isotopes. For examples, कुछ example आप चाहें तो ले सकते हैं. देखिए पहला आप कार्बन के ले लीजिए, एक होता है 6C12, एक हो गया आपका 6C13, एक होता है आपका 6C14. देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, 12, 13, 14 ये डिफरेंस है. दूसरा क्या कॉमन है, 666, यानी कि हम क्या कह सकते हैं सभी कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 6 है, लेकिन सभी एटम्स के जो मास नंबर है यानी कि जो एटॉमिक मास आ रहा है वो क्या है, डिफरेंट है. ये देखिए 12, दिस इज 13 एंड दिस वन इज 14. यहाँ से आप एक चीज़ और कह सकते हैं, सर इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग आएगा. बिल्कुल आएगा, 12 माइनस 6, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 आएंगे, 13 माइनस 6, 7 आएगा, 14 माइनस 6, 8 आएगा, सही है. तो चलिए ये तो बात रही छोटी सी चीज़ें जो आपको पहले से पता थी. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर एक ही कार्बन एटम के अलग अलग मास मिलते हैं तो फिर हम किसका मास लेके आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में किसका मास लेना है. तो उसके लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास. क्या कहते हैं उसको हम, एवरेज एटॉमिक मास, यानी हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, जो आएगा वो हम तीनों के लिए यूज करेंगे, सही है. तो बस उसको सीखने से पहले एक चीज़ और आप, सॉरी चलिए कोई नहीं आप काम चला लीजिए, एक चीज़ और आपको पहले से पता है, कोई भी एटम या एलिमेंट कितने परसेंट अमाउंट में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ एबंडेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज परसेंटेज एबंडेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल कितने परसेंट अमाउंट में मिलता है, यानी कि वो नेचर में कितने ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज परसेंटेज एबंडेंस, सही है. चलिए अगर ये सही है तो वापस से अब अपने क्वेश्चन पे लौट जाते हैं. देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये, हाँ ये तो नोटेशन है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं. जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एंड मास एम क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें मास नंबर या एटॉमिक मास. अब हमें ये बताइए अगर हम ये चीज़ आइसोटोप्स के लिए लिख रहे हैं तो क्या चेंज होगा, क्या जेड चेंज हो सकता है, नहीं, एक्स चेंज होगा, नहीं, चेंज क्या होता है, एटॉमिक मास, यानी कि ये जो एम है ये चेंज हो जाएगा. तो देखिए हम लिखते हैं इसके दो केस, कितना, दो केस, एक में हमने लिखा जेड एक्स एम वन, दूसरे में हमने लिखा जेड एक्स एम टू, क्योंकि जेड सेम है एक्स सेम होगा, चेंज क्या था इनका मास, तो एक हमने ले लिया m1, दूसरे का हमने मास ले लिया m2, सही है. अच्छा एक आपका और एग्जांपल आप ले लीजिएगा, चलिए लिख देते हैं, कार्बन का आपने देख लिया, उसके बाद आप बोरॉन की बात कर सकते हैं, एक होता है 5B10 और एक होता है 5B11. इसी तरह आप चाहें तो क्लोरीन देख सकते हैं, दैट इज वन इज 17Cl35 एंड अनदर वन इज 17Cl37. ऐसे और भी होते हैं, फिलहाल आपको जितने ज़रूरत है उतना हमने आपको बता दिया. तो चलिए M1 M2 की बात तो हो गई, अब हम इनकी थोड़ी सी परसेंटेज एबंडेंस की बात करते हैं. मान लेते हैं कि इसके मोल्स A है, किसका, पहले वाले केस के कितने मोल्स हैं A, या फिर कितने परसेंट है, दैट इज A परसेंट लिख सकते हैं. उसी तरह से बताइए क्योंकि ये दूसरा आइसोटोप है उसका, तो हमने इसके लिए मान लिया कितने मोल्स हैं,
बी, सही है। तो अब हमें ये बताइए, अगर हमें यहाँ से मास निकालना हो तो देखिए मास का फॉर्मूला क्या बनता है, मास का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन अगर मोल्स से मास बनाना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करते हैं, याद है? नहीं याद है तो फॉर्मूला देख लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि हमें मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन क्या होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि ये समझ में आ गया आपको, हम आगे देखते हैं। अभी आपको मोल्स पता है, मास भी पता है, कितना है एम वन, तो बताइए, सॉरी ये मोलर मास है ना, क्या हम इसे मास निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा एम वन इंटू ए। इसी तरह से ये बी मोल्स हैं, ये इसका मोलर मास है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा एम टू इंटू बी, सही है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं यहीं से, फॉर्मूला ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, बस देखिए समझिए अपने आप याद हो जाएगा। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल का सम डिवाइडेड बाय द नंबर। तो देखिए हमने क्या किया, एम वन ए और एम टू बी को ऐड कर दिया, एम वन ए प्लस एम टू बी डिवाइडेड बाई कितने मोल्स टोटल थे ए और बी के, तो ए प्लस बी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वन इंटू ए प्लस एम टू इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। एक बात, ये कब ट्रू है, जब हमारे क्वेश्चन में ए और बी क्या दिए होंगे, मोल्स में दिए होंगे। कैसे दिए होंगे, मोल्स में। क्या ये और किसी तरीके से दिए जा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक और टर्म हमने यूज किया था, परसेंटेज अबंडेंस। हाँ, अगर मान लीजिए आपको दिया है कि ये आपके नेचर में 35% है, कितना है 35%, तो आप हमें बता सकते हैं फिर ये कितना परसेंट होगा, बहुत सिंपल है 65% होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलके 100% होंगे, दोनों मिलके 100% होंगे, हर चीज़ 100% होती है। तो अगर ये 35% है तो ये कितना हो गया 65%। अब हमें ये बताइए, अगर ये हमने कह दिया दिस वन इज 65%, तो बताइए कितना आ जाएगा 35%। इफ हम टेलिंग दिस इज 25%, बताइए कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा ना। यानी कि अगर हम कहें ये x परसेंट है तो आप क्या कहेंगे, दिस विल बी 100 माइनस x परसेंट, यानी कि जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ 100 में कम हो जाएगा, कह सकते हैं। देखिए ये 65 था तो 100 माइनस 65 कितना हो गया 35, ये 25 था तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75। इसी तरह अगर ये x परसेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस x परसेंट। ये तो रही बात अगर परसेंटेज में दिया होगा तब। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमें मोल्स दिए होंगे या मोल्स का रेशियो दिया होगा, जैसे दिया 2:1, 3:2, तो हम वहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखेंगे। अगर हमें परसेंटेज में दिया है तो हम ए प्लस बी को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे ये भी ध्यान समझिए, क्योंकि अगर परसेंटेज अबंडेंस दिया है तो ए प्लस बी दोनों को मिलाने के बाद कितना आएगा 100% आएगा। अब देखिए 100% का मतलब होता है 1/100, एक दूसरे कैंसिल करेंगे वैल्यू क्या हो गई 1। अब हमें ये बताइए यहाँ अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, है ना, इसीलिए। अभी आपको समझ में आया मेरी बात, तो चलिए एक यहाँ पे केस बना के लिख लेंगे हम कि अगर हमें परसेंटेज अबेंडेंस दिया है तो हम सिर्फ एम एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम वन ए प्लस एम टू बी। अच्छा ये तो था दो एलिमेंट्स के लिए, अगर हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते तो क्या लिखते, हाँ एम वन इंटू ए प्लस एम टू इंटू बी प्लस एम थ्री इंटू सी, अगर चार होते तो प्लस एम फोर इंटू डी अपॉन कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर 100% डी आ गया, अबंडेंस की बात की गई है, तो बस क्या आएगा आंसर, एम वन इंटू ए प्लस एम टू इंटू बी प्लस एम थ्री इंटू सी प्लस एम फोर इंटू डी। हम जो आपको बार बार समझाना चाहते हैं वो इतनी सी बात है, अगर आपको मोल्स दिए हैं या मोल रेशियो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज करेंगे। अगर आपको कह दे कि ये 40% है
ठीक है, तो बस अब आप a प्लस बी नीचे वाला पूरा टर्म को गायब कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सही है, कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। सिमिलरली फॉर थ्री आइसोटोप्स m एवरेज, यानी कि एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी प्लस m3 इंटू सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। एक नोट पॉइंट लिखा गया है जो कि आपको ध्यान रखना है, अभी जो हमने आपको समझाया, फॉर एनी मिक्सचर टोटल परसेंटेज एबंडेंस इज 100%। किसी भी मिक्सचर के लिए अगर हम बात करें तो उसका टोटल मिक्सचर एबंडेंस कितना आता है, 100%। अगर हमें परसेंटेज में दिया गया है तो हम a प्लस बी को हटा के क्या लिख देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे m एवरेज, यानी कि एवरेज मोलिकुलर मास विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी प्लस m3 इंटू सी, चार होंगे तो प्लस m4 इंटू डी, पाँच होंगे तो प्लस m5 इंटू डी, ऐसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बात सुन रही है, एक बार फिर हम आपको समझा रहे हैं जो आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूले में मोल्स दिए हैं हमें तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मोल्स नहीं दिया यानी परसेंटेज में बात की गई है तो हम ये इससे साथ डील करेंगे, यानी कि हम ये जो नीचे वाला a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी जो भी आ रहा है इसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू 100% होता है और 100% का मतलब हमेशा क्या होता है, 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक नोट पॉइंट और देखिए, इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में मिलता है या डेसिमल में मिलता है, इसका मतलब वो क्या करता है, वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ आइसोटोप्स के होने की वजह से जब हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वैल्यू डेसिमल में आ जाती है। बात सही है। अगर हम बोरॉन की बात करें तो एक्चुअली बोरॉन का मास होता है 10.8 यू, एक एटम की बात कर रहे हैं इसलिए हम यू लिखे हैं। अब देखिए ये बात, क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नहीं, ये तो डेसिमल है। इसका मतलब आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि सर बोरॉन के भी, हाँ बोरॉन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते होंगे, और यही रीजन है कि ये वैल्यू किस में है, 10 point something, यानी कि पॉइंट में है। तो जिसके भी वैल्यू पॉइंट में आएंगे आप गेस कर सकते हैं कि मैक्सिमम चांस है कि उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन का याद है आपको क्या आता है, हाँ 35.5, इसका मतलब क्लोरीन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, सही है। तो चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, टफ नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है, आंसर आपके सामने दिया है। क्या दिया है, बोरॉन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5B10 एंड 5B11, सही है। एक में बोरॉन का मास 10 मिलता है, दूसरे में बोरॉन का मास 11, उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 10.8, या यू लगा लीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया गया कितना 10.8। आपसे पूछा रहा बताइए कैलकुलेट द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ 5B10 एंड 5B11, आपसे पूछा रहा उसका परसेंटेज बताइए कितना आएगा, यानी कि उसमें 5B10 कितना परसेंट होगा और 5B11 कितना परसेंट होगा। आंसर आपके सामने है, एक होगा 20%, दूसरा होगा 80%, बस आपको कैलकुलेट करना है। हम थोड़ी सी आपकी गाइड कर देते हैं, आप इतना लिख लीजिएगा 5B, न्यू पेज पे कर देते हैं, देखिए 5B10 और ऐसे लिख लीजिएगा 5B11, क्योंकि आपको नहीं पता है कितना परसेंट है तो आप मान लेंगे दिस इज एक्स परसेंट, सही है। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिएगा, जब आप इसको एक्स परसेंट मानेंगे तो आप हमें बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 - x% के इक्वल आएगी, सही है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ डीलिंग किस में हो रही है, परसेंटेज में, तो फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा आप, m एवरेज इज इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी, आगे लिख रहा ही नहीं है क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में नीचे जो हम a प्लस बी लिखते थे उसको आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि परसेंटेज के साथ डील कर रहे हैं तो हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस
अब आप सबके वैल्यू रख देंगे, m1 आपको यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर m2 11 दिया है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x आ जाएगा तो 100 माइनस x करके ये वैल्यू भी निकाल लेंगे और आपका आंसर रेडी, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन हम आपको करा दें कार्बन का। देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे सामने कार्बन का, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा ना, चलिए कोई नहीं एडजस्ट कर लीजिए। हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस सब दिया हुआ है, कार्बन 6C12 कितना होता है 98.892%, उसी तरह 6C13.00335 ये है 1.108%, ये है 2×10⁻¹%, बहुत ही छोटी वैल्यू। लेकिन ये डिटेल्स हमें दिया गया है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें जो 6C12 है या 6C13, 6C14 वो इतने अमाउंट में इतने परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो बताइए एम एवरेज का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? हाँ, m1 × a + m2 × b + m3 × c, तीन है तो तीन के लिए बनाएंगे। क्या हम नीचे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर सबको परसेंटेज में दिया गया है यहाँ पर। अगर वैल्यू दिया होता मोल्स में तो हम लिखते, क्योंकि परसेंटेज के साथ डील हो रहा था, हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 12 × this% + 13 × this% + 14 × this%, जो मास दिया है उसके उसके परसेंटेज सब मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.001। कितना आता है देखिए? 12.001 आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे कैलकुलेशंस है, आप देख लीजिए, कैलकुलेट भी नहीं करिएगा, आप भी बस ऐसे कॉपी करके डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। हम जो आपको सिखाना चाहते थे वो है तरीका, कि आप तरीका कैसे यूज करेंगे। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी नीचे वाला टर्म्स को हटा देंगे, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, देखिए क्लोरीन का। कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोरीन विच इज 75% एबंडेंट इन 17Cl₃₅। यानी कि आपको दिया है जो 17Cl₃₅ है वो कितना परसेंट है? 75% है। ऐसे ही 17Cl₃₇ जो है वो कितना है? 25% है। और आपसे पूछ रहे, बताइए एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास, अच्छा हमें मोलर मास निकालना है ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग CO2 एंड O2, सही है, इन 2:1 मोल रेशियो। ध्यान रहे, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है? मोल रेशियो दिया हुआ है, सही है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस के। तो आप लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक तरफ ऑक्सीजन गैस। मोल रेशियो दिया है यानी कि आपके कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड हैं? 2 मोल्स, हमने लिख लिया 2 मोल्स क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन। दिस इज गिवन द नंबर ऑफ मोल्स, सही है। अब हमने पूछा है एम एवरेज बताइए, तो बस क्या करते हैं एम एवरेज के लिए? m1 × a + m2 × b, क्या हम यहाँ पे अपॉन ए प्लस बी लिखेंगे या नहीं? हाँ, यहाँ पर हम अपॉन ए प्लस बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए कितना दिया है, 2:1 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया है, और दिया है 2:1 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 2 है यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कब इग्नोर करते थे? जब हमें परसेंटेज दिया होता था। तो बस क्या करना है, पहले आप यहाँ से हाँ कैलकुलेट कर लीजिए मोलर मास, ठीक है। उसके लिए क्या करिए, इसका कार्बन डाइऑक्साइड को और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है देखिए, ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 44, तो यहाँ से हो गया 44 × 2 m1 × a + m2
इसका मास देखिए कितना आ जाएगा, 16 टू या 32 इंटू बी, बी कितना है 1 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ए कितना है 2 प्लस 1, सही है। इस बार देखिए हमने इसको हटाया नहीं, क्यों, क्योंकि मोल्स दिया था, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 88 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा अपॉन 3, इसको सॉल्व कर देंगे देखिए आ जाएगा 40 U आंसर, नहीं मोलर मास पूछा था ना, तो ये 40 ग्राम में आ जाएगा, सही है। बस यूनिट का खेल था, जो आपको सिखाना था वो ये था कि अगर मोल्स में दिया है तो आप नीचे वाले नंबर को इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आपके सामने कितना, 40 ग्राम, जिसको हम 40 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो, कर सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी अच्छा टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ मास रेशियो इनटू मोल रेशियो। कई बार हमें मास रेशियो को मोल रेशियो में बनाने आना चाहिए, किसको, मास रेशियो को मोल रेशियो में बनाने आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बस सिंपल है, देखिए टू कन्वर्ट द मास रेशियो इनटू मोल रेशियो, मास रेशियो को मोल रेशियो बनाने के लिए व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज, हमें जो कुछ करने की ज़रूरत है वो क्या है, डिवाइड द गिवन मास बाय देयर मोलर मास, जो आपको मास दिया है उसी को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपको मास रेशियो दिया गया है 5:7, ठीक है, ये किसका रेशियो है, दिस इज गिवन मास रेशियो। अब आपसे कहा जरा बताइए मोल रेशियो, मतलब हम ये बताइए कि मोल कैसे निकालते हैं, हाँ इसके टर्म में बताइएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं ना, तो बस क्या करना है आपको, क्योंकि मोल रेशियो निकालना है तो बस जो आपको मास रेशियो दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, किसको, उसी के मोलर मास से, तो 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास रेशियो, 7 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट, उसके बाद जो आएगा उसको कैलकुलेट कर देंगे, वहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो, क्या हो जाएगा, मोल रेशियो, बात समझ में आ रही है, चलिए सही है। एक चीज़ और, अभी जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था O2 और चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो आपको हम होमवर्क दिए हैं SO2 और O2 का दिया है, ये देखिए किस में दिया है, मोल रेशियो में, फिर हमने वहाँ से कहा था क्योंकि मोल रेशियो में दिया है तो हम अपॉन में जो नंबर होता है उसको लिखना भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम करेंगे, इसमें दिया रहेगा, नहीं अभी कन्वर्जन दिया है, क्या दिया है, कन्वर्ट 2:5 मास रेशियो ऑफ CO2 एंड CO इन मोल रेशियो, तो बस लिख लीजिए CO2 एंड O2 5:2, ये दिया ना 5:2, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं 2:5 दिया है, दिस इज गिवन 2:5, ये क्या दिया हमें, मास रेशियो, हमसे जो कह रहा है वो निकालना क्या हमें, मोल रेशियो, राइट तो लिख लीजिए मोल रेशियो इज इक्वल टू, मोल रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सो 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए 44 ग्राम आएगा, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 2/44:2, ये आ गया 5/ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास आएगा 32, लिख लेंगे। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कैंसिल करेंगे इससे, ये 1 ये 22 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा 16, ये कैंसिल हो जाएगा 11, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:16 की वैल्यू हो जाएगी 16:2, 5:11 की वैल्यू हो जाएगी 55, तो ये आ गया आपका रेशियो 16:55। देखिए सिंपल है, हाँ कुछ तो नहीं करना हमें, क्योंकि अगर हमें मास रेशियो दिया है तो उनके ही मोलर मास से हम डिवाइड करके, मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, उनका मोल रेशियो निकाल लेंगे, देखिए कितना आएगा 14:50
फाइव, यही आया ना। अरे 16 आ गया इधर, देखिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गई है। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डील करेगी तो ये कितना होता है, 28 होता है ना मोलर मास, तो यहाँ हो जाएगा 28, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14:55। कर सकते हैं, वो कुछ नहीं, वो क्वेश्चन ध्यान से हमने नहीं देखा था इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 14:55। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मोलर मास, यानी पुराना वाला क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला क्या है, m1 into a plus m2 into b plus m3 into c upon a plus b plus c। a plus b plus c ये तब लिखते हैं जब हमें मोल रेशियो दिया होगा, सही है, अगर परसेंटेज में दिया होगा तो हम उसको नहीं लिखते हैं। क्या दिया है, इफ द मिक्सचर कंटेनिंग O3 एंड O2 इन 2:1 मास रेशियो। एक बात तो तय है कि हम अपॉन में a प्लस बी इस बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेशियो में दिया है। दूसरी चीज, आप डायरेक्ट ये वैल्यू मत रखिएगा, अगर आपने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया तो आपका गेम हो जाएगा। क्या मतलब हुआ सर, ये देखिए क्या दिया आपको, मास रेशियो दिया है। हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होना चाहिए था, मोल रेशियो, ये क्या दिया हमें, मास रेशियो। तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख देंगे इतना अपॉन इतना प्लस करके, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। आप पहले मास रेशियो को क्या बनाएंगे, मोल रेशियो, फिर मोल रेशियो की वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, हाँ एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ मास रेशियो दिया है तो आपको मास रेशियो नहीं चाहिए, एवरेज मोलर मास के लिए आपको मोल रेशियो चाहिए। तो आप पहले मास रेशियो को क्या बनाएंगे, मोल रेशियो, कैसे, ऊपर अभी हमने बताया, सही है, तो जो मोल रेशियो आएगा फिर उसके साथ उसको सॉल्व कर देंगे। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको हम कर देते हैं, देखिए क्या है। आप चाहें तो आप खुद से भी एक बार ट्राई कर लीजिए। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या है, परसेंटेज, कंपोजिशन का मतलब क्या है, परसेंटेज, आपको बताना है कितना परसेंट ये एग्जिस्ट करते हैं। आपका गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, हुज एवरेज मोलर मास इज 38। हमें एवरेज मोलर मास दिया है और हमसे कह रहा है बताइए कि वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट करेंगे। आंसर भी आपको पता है 50% में आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए एक बार। आपके पास क्या है, NO, और क्या है, NO2। आपसे पूछा गया बताइए कितने परसेंट में एग्जिस्ट करेंगे, नहीं पता ना, तो आप मान लीजिए कितना, ये x परसेंट, अगर ये x परसेंट है तो ये बताइए कितना हो गया, हाँ 100-x% होगा ना, सही है। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, एम एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है, M1 into A, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मास कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन 16, यानी कि 30, तो हो गया 30x% प्लस NO2 का ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 46 आ जाएगा, 46 into 100 माइनस एक्स परसेंट हो जाएगा। चलिए तो आप एक काम करिए, M एवरेज की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 38, 30x% को आप क्या लिख सकते हैं, 30x अपॉन, ये परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, नीचे लिख लीजिए प्लस, इनका मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4600 माइनस 46x अपॉन, इस परसेंट का मतलब अपॉन 100 फिर से हो गया। अब क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 30x, ये वैल्यू आ गई आपकी 30x प्लस, ये भी 1 टाइम में आएगा तो ये नंबर कॉपी हो जाएगा 4600 माइनस 46x। चलिए हम ऊपर का थोड़ा सा रेज कर देते हैं, तो इधर आपका कितना है, 38 है, ऊपर कितना बचा हुआ, 30x
-46x, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -16x प्लस 4600, इतना बचा आपका ऊपर अपॉन, नीचे कितना बचा आपका 100। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 38 × 100 कितना हो जाएगा, 3800 इज इक्वल टू -16x प्लस 4600। अब तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कर ही सकते हैं। खैर चलिए कंप्लीट कर देते हैं हम। अब क्या करना है, आप 4600 को उठा के इधर लेके आइए, तो देखिए 3800 वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4600, इधर क्या बचा -16x बचा है, लिख लीजिए 38 - 46 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -800। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नेगेटिव है, यहाँ क्या बचेगा -16x, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो क्या करेंगे हम 16 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 60, कैंसिल करेंगे 16 × 5 = 80, 0, यानी कि हमें आ गया 50%, x की वैल्यू आ गई 50%। अच्छा बताइए, अगर पहला 50% है तो दूसरा 100 - 50 यानी कि वो भी क्या होगा, 50% होगा। देखिए आंसर आ गया 50% NO एंड 50% NO2, सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।